अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये भी एक सवाल आमतौर पर उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल समटाइम्स नहीं होती, कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करते हैं और बाद में पता चलता है या कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आती है, डायरेक्शन आती है कि दिस पिटीशन इज़ नॉट मेंटेनेबल। अब मेंटेनेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का जो सवाल उठता है वो तब इसलिए उठता है क्योंकि स्कोप ऑफ आर्टिकल 199 जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल होती है वो बहुत लिमिटेड है। उसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायोलेट हो रहा है, और साथ में आपको ये भी वहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि इससे पहले इस कोई केस नहीं है, कोई सिविल सूट या कोई और केस इस हवाले से पेंडिंग नहीं है, और यही आपके पास एक रेमेडी है कि आप पिटीशन में आ रहे हैं। तो ये दोनों दो चीज़ों में कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो ही आपकी पिटीशन मेंटेनेबल है, अदरवाइज वो मेंटेनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, सूट चल रहा है, कोई सिविल सूट पेंडिंग है किसी लोअर कोर्ट में, लाइक डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास या सीनियर सिविल जज के पास या सिविल जज के पास, और फिर आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पिटीशन फाइल कर देते हैं, और तो वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी एक सूट चल रहा है, तो आपको फिर उसी सूट में जो भी है रिलीफ लेना है, इस सूरत में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी, वो डिसमिस हो जाएगी क्योंकि आपका पहले से ही केस चल रहा है सिविल कोर्ट में। तो मोस्टली ये इसी पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डिसमिस हो जाती हैं, और क्योंकि वो मेंटेनेबल नहीं होती।